वेलकम बैक, नमस्कार, राम राम। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉकीज टॉक विद गौतम में। आज मैंने नेटफ्लिक्स पर देखी है स्पेस स्वीपर्स, और यार स्पेस पर बेस्ड बहुत सारी मूवीज मैं काफ़ी पहले देख चुका हूँ। इंटरस्टेलर टाइप की काफ़ी मूवीज मैंने देखी हैं, और काफ़ी समय के बाद में नेटफ्लिक्स पर इस तरह का कुछ कंटेंट मेरे को देखने को मिला है। तो पहली बात तो ये कि अगर कम शब्दों में इसके बारे में बताया जाए तो एक डिसेंट मूवी है, आप इसको देख सकते हैं। ये मेरी पहली कोरियन मूवी का रिव्यू है, तो ये मुझे काफ़ी ठीक ठाक लगी है। इसके जो कैरेक्टर्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे लगे मुझे, उनके साथ में हल्का फुल्का आप जुड़ भी सकते हैं। ज़्यादा कैरेक्टर्स को डेवलप किया नहीं गया है, डायरेक्ट ही स्पेस से ये मूवी स्टार्ट होती है। कहानी क्या है, स्टार कास्ट कौन कौन सी हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। उससे पहले आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलते रहें। वीडियोस को लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, और जिन मूवीज और वेब सीरीज का आपको रिव्यू जानना है, आप रिव्यू जानना चाहते हैं, वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताते रहिएगा। तो स्पेस स्वीपर्स की कहानी ऐसी है कि तीन लोग हैं, एक है उसमें फीमेल कैरेक्टर जिनका नाम है कैप्टन जेंग, और कैप्टन जेंग का कैरेक्टर निभाया है किम जान ने। वो उस स्पेसशिप यानी विक्ट्री नाम का जो स्पेसशिप है उसकी लीडर है, उसकी चालक है। इसके अलावा एक और कैरेक्टर है ताई हो। ताई हो एक अच्छा इंसान है, वो पहले एक आर्मी में था, स्पेस आर्मी है वो उसमें था, बट वहां से निकाले जाने के बाद में वो एक आम जिंदगी जी रहा है। ताई हो का कैरेक्टर इसमें निभाया है सांग जुंग की ने। यार ये काफ़ी सारे कोरियन नेम इस तरह के हैं जो मतलब बोलने में और प्रोनाउंस करने में काफ़ी समस्या आ रही है। हो सकता है कुछ नाम ऐसे हों जो मेरे से गलत प्रोनाउंस हो जाएं, गलत प्रोनाउंसिएशन उनका हो जाए, तो आप इसकी चिंता मत कीजिएगा। आप जाएं गूगल पर सर्च कर सकते हैं स्टार कास्ट के बारे में, तो अब ज़्यादा स्टार कास्ट के बारे में बताना छोड़ करके कहानी पे आते हैं। ये लोग अपने स्पेसशिप में जा रहे होते हैं, इनका काम होता है अंतरिक्ष में फैले हुए कचरे को उठाना, उसे बेचना, और उसे बेच करके जो पैसे मिले उससे अपना जीवन यापन करना, ये इनका काम है, रोजमर्रा की ये जिंदगी है। एक दिन स्पेस में से कचरा उठाते समय इन्हें एक प्लेन मिलता है, उस प्लेन में एयरबैग्स के पास में इन्हें 7 साल की बच्ची मिलती है। वो इस बच्ची को अपने पास रख लेते हैं। धीरे धीरे उनको पता चलता है कि बच्ची आम बच्ची नहीं है, ये एक तरह का हाइड्रोजन बम है जो इस तरह से बनाया गया है कि समय आने पर उसका इस्तेमाल पृथ्वी को खत्म करने के लिए किया जा सके। रिचर्ड आर्मिटेज ने इसमें एक विलेन का किरदार निभाया है, एक ऐसा विलेन जो पूरी धरती को तबाह करना चाहता है। वो एक बहुत ही अच्छा बिजनेसमैन है, सारी धरती पर जो अमीर लोग हैं उनको वो मार्स के सपने दिखा रहा है, मंगल ग्रह पर बसाने के सपने दिखा रहा है, बदले में वो पूरी धरती को खराब करता जा रहा है, पूरी धरती पे से इंसानियत का नामो निशान मिटा देना चाहता है। ये कुछ उसके विलेन यानी रिचर्ड की कहानी है। अब ये सभी लोग मिलकर के कैसे उस बच्ची को बचाते हैं, कैसे उसके वो हाइड्रोजन बम बनने की जो कहानी है वो किस तरह से बनी है, किस तरह से उसको रोका जा सकता है धरती पर फटने से, तो वो सब कहानी आपको नेटफ्लिक्स पर जाकर के ही देखनी पड़ेगी। उसके बारे में अगर मैं आपको ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा तो शायद आप मूवी को उतने अच्छे से एंजॉय ना कर सकें। तो मेरा कहना यही है कि इसे आप नेटफ्लिक्स पर जाकर के देखें। अगर रेटिंग की बात करें तो इसको मेरी तरफ से मिलेंगे 5 में से 3.5 अंक, और 3.5 भी इसलिए क्योंकि यार कहानी अच्छी है और जो इसका पिक्चराइजेशन है काफ़ी अच्छा है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इस मूवी का बजट ही बहुत ज़्यादा है। कोरियन मूवीज़ आज के दौर में बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं। इस मूवी का बजट मैं आपको बता देता हूँ कि एक्चुअल बजट कितना है, $24 बिलियन इस मूवी का बजट है। जो सुंग ही ने इसको डायरेक्ट किया है। तो यार ये था हमारा इस मूवी के लिए रिव्यू, और ठीक ठाक मूवी है, क्यों देखी जानी चाहिए। तो स्पेस पर बनी हुई मूवीज़ अगर आपको पसंद है जिनमें अच्छा VFX हो तो आप इसे देख सकते हैं। नेगेटिव पॉइंट्स की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट इसका यही है कि इसकी डबिंग बहुत अच्छे तरीके से नहीं हुई है, आपको बहुत ज़्यादा परेशानी आने वाली है अगर आप प्योर हिंदी में देखना पसंद करते हैं कोई चीज़। तो बाकी नेगेटिव पॉइंट्स इसमें और दूसरे भी हैं, जैसे कैरेक्टर्स को थोड़ा बहुत और डेवलप किया जा सकता था, आप उनसे ज़्यादा कनेक्ट हो पाते अगर ऐसा होता तो। इसके अलावा हल्का फुल्का बैकग्राउंड म्यूजिक और सुधारा जा सकता था। ओवरऑल ठीक ठाक है, ज़्यादा एंटरटेनिंग नहीं है लेकिन फिर भी आप एक बार के लिए देख सकते हैं, तो ये मूवी देखी जा सकती है। ये था हमारा इस मूवी के लिए रिव्यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रिव्यू में, और इस रिव्यू के बारे में भी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। तो मिल रहे हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, वंदे मातरम।